नमस्कार दोस्तों, मैं रमन मेहरा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद रमन में। तो आज सुजानपुर होली मेला, अंतर्राष्ट्रीय होली मेला का फर्स्ट डे है, ओपनिंग है। तो मैं आपको कुछ आज अपने वीडियो क्लिप्स के थ्रू आपको आज अपने YouTube चैनल में होली की कुछ ओपनिंग की झलकियां दिखाऊंगा। आई होप आपको पसंद आएगा ये सब चीज़ें। और ऑलरेडी मैं होली के मैदान में पहुँच चुका हूँ और तैयारियाँ चल रही हैं। शाम को आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ओपनिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो शॉट्स भी आपको मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा। आई होप आपको पसंद आने वाली ये चीज़ें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट।
सारी चीजें मतलब तू हाथे ने बनाई है ना, ये डॉल्स वगैरह सारी तू हाथे ने। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। दसा जी ये जो चीज है ये हैंडमेड यहाँ की लोकल लेडीज ने स्टार्ट करा हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो सारी चीजें ये हैंडमेड है, जो कितना सुंदर सा ये वॉल्ट बनाया, पर्स बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। गर्मी आ रही है तो ये सब चीजें तो ठीक है जी, बहुत ही अच्छी ये आज हमारे भाई अपूर्व आज साथ आए हैं वीडियो में, भाई हेल्प कर रहे हैं आज। वही हमारा अपनो राजस्थान, अपनी परंपराओं के विषय में वो जाने, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस अमीर वेदिका का जो है वो यहाँ पर निर्माण किया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले आपको बाहर से जैसे ही आप आएंगे तो बाहर जो वो एक पारंपरिक जल स्रोत है खात्री, जो कामेरपुर के अमूमन बहुत सारे क्षेत्रों में पहले ये जल स्रोत हुआ करते थे, अभी भी हैं लोगों के घरों में जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा विभाग का पीछे का पुस्तक प्रदर्शनी है जिसमें कि हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी और बाकी जो भी इसके हिमाचल के इतिहास, यहाँ के धार्मिक स्थल, उसको लेकर के कुछ विभाग की एक पत्रिका है उसका है दीपाशा के। और इस तरफ हम आएंगे तो ये जो है बांस की कलाकृतियाँ, और इसके बाद जो है वो ये हमारे जो लोक वाद्य हैं यहाँ के इंस्ट्रूमेंट जो डोंडू है, और ये अपना खंजरी है, खड़ताल है, और थाली है, ढोल है, और साथ में ही हम देख सकते हैं कारगिल के जो हमारे अमर बलिदानी है, ठीक है जी, जो हमारे वीर वीर होते हैं वो आप देख सकते हैं। पाँच सभी गर्मियों में बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुत किया हुआ सर, जो ये एक्सिबिशन है मैं
मैं बहुत इस पर इम्प्रेस हूँ इस चीज़ से कि फर्स्ट टाइम, मतलब मैं भी बेसिकली सुजानपुर से रहने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम ये चीज़ मैंने देखी है और मैं जब से बन रहा था ये चीज़ और मेरे मन में था, दिमाग में था कि जब ये बन जाएगा तो इसको जरूर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊँगा। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और इसके साथ ही आप यहाँ की ट्रेडिशनल रसोई का हमने थोड़ा जी जी आप दिखा दीजिए। स्टॉल में हम पहुंच चुके हैं विधिक साक्षरता, विधिक सेवा प्राधिकरण। हाँ जी हाँ जी, तो हमारे हिमांशु भाई जी बड़े भाई यहाँ पे हैं बैठे हुए, तो भाई यहाँ से होस्ट कर रहे हैं। तो भाई मतलब इसका जो मोटिव है, मतलब ये जो आप लगा रहे हैं यहाँ पे स्टॉल, इसका बेसिकली मोटिव क्या है? सर बेसिकली मोटिव ये है कि रूरल और जो रूरल एरिया है और जो अर्बन एरिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके लिए बहुत जबरदस्त, हाँ जी फैसिलिटी इस तरह से है जी जी जी। फ्री लीगलेट कैंप मतलब जो गरीब लोग होते हैं, हाँ जी, और जो लोग अवेयर नहीं होते, उनके घर में कोई दिक्कतें होती हैं जैसे जमीन से रिलेटेड है या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स है, हाँ जी, तो उनको जब वो कोर्ट का रुख करते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो उनको पैसे देके, हाँ मतलब जो चीज़ें हैं वो फाइट करनी पड़ती है, चीज़ें वो लड़नी पड़ती है। जी जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी हमारा फेस जो और भी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक मैसेज है हमारी तरफ से, हाँ जी, कि जो जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, ये मैसेज है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो किसी अधिवक्ता को हायर नहीं कर सकता, के पास कैपेसिटी नहीं है, हाँ जी, तो आप कोर्ट में जाइए और वहाँ पे पूछिए कि जो ये जो लीगल एड फैसिलिटी है वो कहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो फ्री लीगल एड फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा आपने, मतलब ये जो शिविर चला है बहुत ही अच्छा है, ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग इस चीज से अवेयर नहीं, और थैंक यू रमन जी आप इस तरह से आए, और थैंक्स जी बहुत मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों को मतलब ये फैसिलिटीज और नहीं मालूम है, मैं जरूर अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई। महिला और बाल विकास विभाग में के अंदर जो है वो ये सब काम कर रहे हैं।